हेलो दोस्तों, मैं उपासना, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल गुंजिया की रेसिपी। वैसे भी हम डिजाइनर गुंजिया बनाएंगे आज, तो मैं आपको बताऊंगी इसको बनाने में मुझे क्या क्या दिक्कतें आईं और क्या क्या मैंने गलतियाँ की, मैं वो भी बताऊँगी आपको। वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें ताकि आपकी डिजाइनर गुंजिया बहुत अच्छी बने, मुझसे भी ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है। सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे, क्योंकि हमें डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करने देना होता है। इसके लिए यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ। मैदा को छान कर लें, छानने से अच्छा रहता है। ये यहाँ पर मैं 1.25 कप मैदा ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिए आपको कितनी गुंजिया बनानी है। ये यहाँ पर लगभग 250 ग्राम मैदा है। इसमें हम रिफाइंड तेल डालेंगे। अब ये यहाँ पर 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल लिया है मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अभी मुझे इसमें मोयन कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ जो ये बच गया है। बस इसको भी अच्छे से इसी तरह से हाथों से एकदम रब कर लेंगे ताकि अच्छे से मोयन लग जाए हमारे पूरे आटे में। और बस इसको भी छुड़ा लेंगे इसी तरह से इसमें। देखिए मैंने इसको अच्छे से मोयन लगा लिया है। बस इस तरह से इसकी मुट्ठी बंधनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ये नॉर्मल पानी का यूज कर रही हूँ मैं। इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, ना ही तो बहुत ज़्यादा कड़ा ना ही बहुत ज़्यादा एकदम ढीला वाला। बस मैं आपको बताऊँगी किस तरह का लगाना है। बस इस तरह से अच्छे से मसलते हुए डो तैयार करें और हल्का सा हाथ से इस तरह से इसको ग्रीस कर दें घी या तेल लगा कर, और 10 मिनट के लिए रेस्ट भी रख दें इसको। अभी इसको लगाए मुझे 10 मिनट हो गई हैं। अब मैं इनको 3 भाग में डिवाइड कर लूँगी और इसमें हम कलर मिक्स करेंगे। जैसे भी हमें जो भी कलर की गुंजिया बनानी है वही कलर यूज करेंगे। मैंने इसको 3 हिस्से में बांट लिया है। एक हिस्सा थोड़ा ज़्यादा रखा है वाइट के लिए। इस 2 हिस्से में मैं 2 कलर मिलाऊँगी, एक में ग्रीन कलर एक में ऑरेंज कलर। ये मेरे पास सूखा वाला ही कलर है, अगर आपके पास लिक्विड वाला कलर है तो वो मिलाइए, और भी जल्दी मिलाने में आसान रहता है। बस अब इसको इस तरह से अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। बस देखिए ये हमारा अच्छा सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं मिलाया मैंने, ज़्यादा डार्क नहीं किया है, क्योंकि कलर ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसको हम साइड पर रखेंगे, हाथ धोकर दूसरा भी कलर तैयार कर लेंगे इसी तरह से। इस आटे में हम ऑरेंज फूड कलर मिलाएंगे, बस थोड़ा सा इतना ही चुटकी भर। हमारा ऑरेंज कलर का डो भी एकदम तैयार हो गया। इसको भी हम एक छोटे से बर्तन में रख देंगे, 10 मिनट के लिए रखेंगे दोनों आटे को, और बस तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गर्म होने रख दी है। इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, देसी घी का यूज करेंगे हम। इसमें अब अपना मावा भूनेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी पसंद के लें। ये 4 इलायची, इनके बीज निकाल लूँगी मैं। आप चाहे तो इनको कट करके ले सकते हैं, चाहे तो पाउडर बना के ले सकते हैं। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है हम अपने इनको पीस लेते हैं जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। बस मैंने इसमें काजू ऐड नहीं किए हैं, इसको पल्स मोड पे पीस लेंगे। और इलायची भी इसमें डाल दिए मैंने, छिलका हटा दिया है। अभी हम अपने इसमें काजू भी ऐड कर लेंगे और हल्का सा पीस लेंगे बस इसको, ताकि थोड़े मोटे चंक्स रहें इसके। अब हम अपने पीसे हुए जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे हैं इसको हल्का सा भून लेंगे इसमें डालकर। देखिए जो मैंने ड्राई फ्रूट्स के पाउडर टाइप बनाया था इसको हल्का सा भून लिया है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। आप चाहें तो इनको काट कर भी डाल सकते हैं, थोड़े मोटे मोटे मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। बस मैं इसको इसलिए मैंने इसका पाउडर सा बनाया दरदरा, और इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लें। आँच को सिम पर रखें, ये हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपना खोआ भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं 200 ग्राम खोए का यूज़ कर रही हूँ। फ्रिज में रखे हुए खोए का यूज़ ना करें, पहले से निकाल दें बाहर अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ 1-2 घंटा पहले। और इस तरह से चलाते हुए इसको भून लेंगे थोड़ा सा हल्का सा हला रहने तक। अभी हमारी स्टफिंग देखिए एकदम तैयार है भूनकर। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ज़्यादा भी ना जले। बस इस तरह का ही कलर आने दें इसको, बहुत ज़्यादा ना भूने। अब इसको ठंडा करेंगे और इसमें हम बूरा या पिसा चीनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है, हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं वैसे तो बूरा का यूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको हल्का सा मिक्सी में चला लिया है, क्योंकि बूरा भी कई बार मोटा होता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप अपने हिसाब से ऐड करिए। मैंने जितना इसमें खोआ यूज किया है उतना ही बूरा का यूज किया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है एकदम। इसको हम साइड पे रखेंगे।
ये यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर वाले आटे से एक लोई ले लिए, इसको गोल बनाकर तैयार करेंगे और इस पर रखकर बेल लेंगे। इसमें हमें घी या आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें पहले से ही मोयन डाला होता है। यहाँ पर मैंने एक स्लरी टाइप तैयार की है, थोड़ी सी मैदा घोलकर पानी में ताकि चिपकाने के लिए इजी रहे हमें। बस देखिए इस तरह से थोड़ा बड़ा सा बेल लेंगे इसमें से। बस इसकी थिकनेस इस तरह की रखें, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा ना ही बहुत ज़्यादा पतला। आपके पास जो भी कटोरी ढक्कन है इस तरह से उससे इसको बिल्कुल काट लीजिए इस तरह से। इसमें किनारे थोड़े कम है तो मुझे इसलिए थोड़ा सा इसमें दबाव लगाना पड़ रहा है। थोड़ा किनारे वाला बर्तन लें, मेरे पास उस टाइप का कुछ है नहीं, उतना बड़ा जितना मुझे चाहिए था, और साइड वाला बस हटा देंगे इस तरह से। इस तरह से बस पूरी की साइज का काट लें, इसको साइड पर रखें। इस तरह से बस एक हम वाइट भी तैयार करेंगे इसी तरह का गोला बनाकर। देखिए इसको भी मैंने बस उसी तरह के ढक्कन से काट लिया है। एक ही बर्तन का यूज करें आप काटने में, दोनों बराबर होने चाहिए आपके जो पूरी टाइप बना रहे हैं आप पूंजिया के लिए। अब हम इस पर चाकू से निशान करेंगे उल्टी तरफ से, लेकिन पूरा पार तक नहीं हमें काटना है, बस थोड़ा निशान लगाना है इस तरह से। देखिए थोड़ा इधर में, थोड़ा मेरे स्लेब के पास जगह कम है तो थोड़ा घुमाना पड़ता है कई बार। बस इस तरह से देखिए पहले हमने दोनों तरफ से लगाया। इसको 8 भाग में डिवाइड करेंगे, लेकिन अलग अलग काटना नहीं है, बस निशान लगाना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये ऑरेंज वाली पूरी है, मैंने थोड़ा सा और बेल लिया क्योंकि मैदा थोड़ी सी सिकुड़ जाती है बाद में। बस इस पर हम जो हमने ये मैदा वाला घोल बना के रखा है पूरी पर अच्छे से लगाएंगे। अब इस पर रखेंगे हम अपनी स्टफिंग। स्टफिंग को इस तरह से गोल बना लें, बहुत ज़्यादा सूखी स्टफिंग तैयार ना करें, बस छोटी सी रखें जितनी इसके ऊपर आराम से आए। और इस पर जो हमने निशान लगाई है वो वाली पूरी रख देंगे जिस पूरी पर हमने निशान लगाया, और अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से। दोनों पूरी समान होनी चाहिए बराबर, बस इस तरह से अच्छे से चिपका लें बिल्कुल बराबर। और इसमें देखिए एक जो हमने बीच में निशान लगाया इससे अपनी तरफ इस तरह से काटेंगे, पार तक का निशान लगाना है, और इधर से इस तरफ को काटेंगे। बस एक निशान बीच वाला छोड़ देंगे, फिर इसमें से अपनी तरफ काटेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से इस निशान पर से। बस इस चीज को आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, यहाँ से इस तरह, इधर अपनी तरफ। बस हमारी ये चार पत्ती का डिजाइन देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके सेंटर में जरा सी थोड़ी सी मैदा वाला खोल लगाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुल ना जाए हमारी ये। इस चीज़ को अच्छे से लगाएं ताकि हमारी ये कढ़ाई में खुले ना, बस अच्छे से इस तरह से चिपका दें। इसको उठाते हुए ऊपर से देखिए, बीच से, इधर से भी, चारों तरफ से इसी तरह से उठाते हुए चिपकाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी सी मैदा इस तरह से यहाँ पर भी लगाएंगे, ऐसे चिपकाएं उठाकर इसको, इधर भी लगाएं। पहले इस पर दूसरे वाला लगाएं, इसको इसके ऊपर रखें। बस इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, देखिए इस तरह से, तब ये डिजाइन हमारा अच्छा सा बनकर तैयार होगा एकदम। इधर भी थोड़ा सा मैदा का गोल लगाएंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी गुंजिया तैयार करेंगे, मैं आपको एक और बनाकर दिखाऊंगी। बस इस तरह से लगाएं, ये गलती ना करें जो मैं कर रही थी, पहले उसको चिपका रही थी, फिर हमारा डिजाइन अच्छा नहीं आएगा। पहले दूसरे वाले का लगाएं, ये एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए लगाएं। देखिए हमारी एक डिजाइनर गुंजिया बनकर तैयार हो गई है। बस अब हम इसको फ्राई करेंगे, पहले हम ये भी एक तो और बना लेते हैं। बस देखिए सेम उसी तरह से मैंने दो पूरी बेल ली है, एक ग्रीन कलर की एक वाइट कलर की। इसको हम दूसरे कलर की बनाएंगे, एक पर इस तरह से निशान लगाएंगे, उसमें मैंने वाइट पे निशान लगाया, इसमें मैं कलरफुल बनाऊंगी ऊपर। इसको देखिए इस तरह से बस इस पर लगाएंगे, ध्यान रखिए मैंने इसको निशान को 8 बार लगाया, इसी तरह से 8 पत्तियों में डिवाइड किया, आप भी ऐसे ही करिए। इस पर हम खोल लगा लेंगे अपना मैदा वाला। अभी इस पर हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। दोस्तों इस बार मैंने ऐसे इसलिए किया अलग अलग क्योंकि ये थोड़ी सी बाद में सिकुड़ जाती है हमारी, जो हम एक उठाकर पूरी अलग रख देते हैं, इसलिए मैंने एक चकले पर बनाई, एक नीचे स्लीप पर बनाई। जहाँ पर भी बनाई पहले अच्छे से साफ कर लें जगह को, बस इस तरह से रख दें कटी वाली जिसमें हमने डिजाइन काट लिया है ऊपर से।
बस इसको भी इस तरह से अच्छे से चिपका के इसी तरह से कट करेंगे जैसे हमने पहली वाली गुंजिया में किया। बस इस पर भी हम इस तरह से देखिए थोड़ा सा मैदा लगाएंगे बीच में सेंटर में और इस तरह से चारों तरफ से उठाते हुए जो हमने कट किया है उसको इस तरह से चिपकाएंगे एक दूसरे के ऊपर फटाफट से। बस इस तरफ से मैदा लगाएंगे ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा सा जो हमने घोल बनाकर तैयार किया ताकि ये खुल ना जाए और पहले की तरह फटाफट इसको चिपका देंगे। देखिए हमारी ये डिजाइनर गुंजिया बनकर तैयार है। दोबारा से भी बना लिया हमने। बस इसी तरह से हम अपनी सारी गुंजियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने 5 गुंजियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। एक थोड़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं आई है, 4 बहुत अच्छी बनी है। बस अब हम इसको फ्राई करेंगे, गैस को ऑन कर देते हैं। अभी हम अपना तेल भी चेक कर लेते हैं। देखिए गर्म हो गया है, बस एकदम उठकर नहीं आया हमारा आटा। हमें इसी तरह का तेल गर्म चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पे ना रखें, आँच को सिम पे रखें। आराम से हम अपनी गुंजियाँ इसमें छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए हमारी गुंजियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं। बस यहाँ पे काफ़ी पेशेंस रखिए, थोड़ा सी आँच पे इनको फ्राई करिए ताकि अंदर से कच्ची ना आए। इसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से हलाइए और थोड़ा रुक के हलाइए बाद में। देखिए अभी एकदम बबल्स कम हो गए हैं, इसका ये साइन है कि हमारी गुंजियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे, दूसरी वाली भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, जो ये जो आपको इसके ऊपर हल्के हल्के बबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें मेरी जो गलती रही मैं आपको बताती हूँ। मैंने मैदा को काफ़ी देर रेस्ट करने दिया, काफ़ी 1 घंटा लग गया था मुझे। बाद में वो स्टफिंग तैयार करके मैं कुछ और काम करने लग गई थी, ये गलती ना करें। मेरी मैदा पतली हो गई थी, उसका फिर कोई इलाज नहीं है। आप चाहेंगे भी उसमें कि मैदा ऐड कर लें हम, तो फिर उतना अच्छा हमारा मोयन नहीं रहेगा। इस गलती को मत करिए जो मैंने करी। तो दोस्तों जब तक हमारा दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, मैं आपको एक हाथ का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। देखिए इस तरह से भी गुंजिया बना लेते हैं हाथ से कई लोग। तो इसको मैंने तो इसमें पहले जो इसका मेरे पास ये फ्रेम है उसमें बना के बनाया। कई लोग तो ऐसे ही पूरी बना के उस पर रख के इस तरह से बनाते हैं। मेरी मम्मी भी बनाती थी इस तरह, ये बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल भी नहीं खुलती कढ़ाई में। इस तरह से भी बना सकते हैं आप। देखिए ये हमारी गुंजिया की रेसिपी थी, डिजाइनर गुंजिया। आप भी सोली पर ज़रूर बनाइए कुछ नया। वैसे तो हम फ्रेम से तो हमेशा ही बनाते हैं एक कलर वाली, एक बार ऐसे भी बना के देखिए, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। सब आपसे पूछेंगे कैसे बनाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, जो मेरी गलती रही वो भी मैंने आपको बताई। आप वो वाली गलती ना दोहराएं। जब आप आटा तैयार करें उसके 10 मिनट बाद ही बनाना शुरू कर दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।